हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मेडिकल जाने वाला शख्स हार्ट अटैक से फौत, हैदराबाद में दूसरा वाकया। मेडिकल शॉप जाने वाला शख्स हार्ट अटैक से फौत हो गया। ये वाकया हैदराबाद में आज पेश आया। 35 साला श्रीनिवास, जो कि बुधवेल राजेंद्र नगर का रहने वाला बताया गया है, इसका आबाई मुकाम चेवड़ला से है। आज सुबह इसके सीने में शदीद दर्द हुआ। अरकान खानदान इसे मुकामी डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बाद मुआयना कुछ दवाइयाँ लिखी। डॉक्टर के पास से वो दवाई लेने के लिए मेडिकल शॉप जा रहा था कि इसके कल्ब पर शदीद हमला हुआ, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाजह है कि कल ही एल बी नगर इलाके में एक मैकेनिक कार की मरम्मत के दौरान हार्ट अटैक से फौत हो गया था। अंदरून दो दिन इस तरह के अफवाह से शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। चंद महीने पहले इसी तरह के वाकयात पेश आ रहे थे, तहम इसके बाद हार्ट अटैक से होने वाली अफवाह में कमी देखी जा रही थी, लेकिन अचानक कल्ब पर हमले से दो अफराद की मौत हुई है। तेलुगुदेशम तेलंगाना में 119 सीटों पर मुकाबला करेगी, कासानी ज्ञानेश्वर ने कहा। तेलुगुदेशम तेलंगाना सदर के ज्ञानेश्वर ने ऐलान किया कि तेलुगुदेशम तमाम 119 सीटों पर मुकाबला करेगी। मिर्चल हलके के कारकुनों से खिताब में ज्ञानेश्वर ने कहा कि मलकाजगिरी में तेलुगुदेशम को आवाम की गैरमामूली तायद हासिल है। उन्होंने कारकुनों को मशवरा दिया कि जिले की तमाम असेंबली सीटों पर कामयाबी की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस से तेलुगुदेशम के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है कि वो तेलंगाना में कमजोर है। उन्होंने कहा कि पार्टी तरक्याती और फलाही एजेंडे के साथ तमाम अजला में अपनी शनाख्त रखती है। खातून ने घर में दाखिल होने वाले चोर का दिलेरी से किया मुकाबला। तेलंगाना के वेमुलवाड़ा टाउन में पेश आया वाकया वीडियो वायरल। तेलंगाना के वेमुलवाड़ा टाउन में एक खातून ने इंतहाई दिलेरी का मुजाहरा करते हुए घर में दाखिल होकर उसके गले से चेन छीनने की कोशिश करने वाले चोर का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में चोर वहाँ से भाग गया। इस वाकये का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जाता है कि वेमुलवाड़ा के भगुना तराव नगर में श्रीलता नामी खातून का शौहर खलीज में मुकीम है। इसकी पहली बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी अमेरिका में है। गुज़िश्ता रात एक चोर ने श्रीलता पर उस वक्त हमला किया जब वो घर में अकेली थी और उसके गले से सोने की चेन चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही चोर घर में दाखिल होकर खातून के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की, श्रीलता ने मजाहिमत की और चीखते हुए इससे मुकाबला किया, जिस पर चोर वहां से भाग गया। इस दौरान 7 ग्राम सोने की चेन चोर के हाथ लग गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी करप्शन की अलामत, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटीआर रामाराव ने कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए इन्हें करप्शन की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने आज़ाद भारत को 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुल्क को लूटा। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें अपनी नाअहल हुक्मरानी और करप्ट इंतजामिया की वजह से बदनाम हो चुकी हैं। रामाराव ने कहा कि AICC का मतलब ऑल इंडिया करप्शन कमेटी है, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचार जनता पार्टी का मुतरादिव बन गई है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी में दोनों पार्टियों की नाकामियां मुल्क के साथ साथ तेलंगाना को एक लानत की तरह परेशान करती रही। वजीर मौसुफ ने कहा कि बीजेपी बीआरएस को AIMIM का इत्तेहादी करार देकर बिलवास्ता हरबे अपना रही है। इसी तरह उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस बीआरएस को बीजेपी की इत्तेहादी करार देकर इसे कमजोर करना चाहती है। केटीआर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी का मतलब भारत रईदू समिति है। रामाराव ने कहा कि पार्टी किसानों और तेलंगाना के लोगों की भरोसेमंद इत्तेहादी है। उन्होंने कहा कि हमारा हर प्रोग्राम नेक नीयति पर मुबनी है। हमारे फैसले पुरअज्म, वजीर आला ईमानदार और मजीद ये कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर जवाबदेह है। वजीर केटीआर के जरिए बीजेपी के 100 झूठ किताबचा और सीडी जारी की गई। हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस तेलंगाना बीजेपी की नाकामियों और हिमायत की कमी पर बगावत कर रही है और इसने एक खसूसी किताबचा और सीडी लेकर आई है, जिसका उनवान है बीजेपी के 100 झूठ। वजीर सनत और बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने पीर को प्रगति भवन में सीडी और किताबचे का इजरा किया। बीजेपी के 100 झूठ बीआरएस सोशल मीडिया विंग के जरिए चलाया जाने वाला एक ऐसा सिलसिला है जो इस बात को जाहिर करता है कि किस तरह बीजेपी तेलंगाना और मुल्क के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। इस पहल में बीजेपी के नाकाम वादों का इहाता किया है, जिनमें नौकरियां पैदा करना, महंगाई, जीएसटी का बोझ, हर घर में इंटरनेट, सबके लिए मकानात, आंध्र प्रदेश तंजीमें नौ कानून जैसे ब्यारम स्टील फैक्ट्री, ITIR, काजीपेट कोच फैक्ट्री, आदिलाबाद CCI, वाल्मीकि के लिए ST रिजर्वेशन शामिल हैं। बीआरएस और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की रियासतगीर मुहिम का आगाज। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इंतखाबी तैयारियों में शिद्दत पैदा करते हुए बीआरएस हुकूमत के खिलाफ 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। हुकूमत की नाकामी को उजागर करने के लिए अवामी अदालत का अहतमाम किया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ मवाजियात की सतह पर चार्जशीट जारी की जाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी के मुताबिक बीआरएस और बीजेपी हुकूमतों की नाकामी के खिलाफ मुहिम शुरू की जा रही है। हैदराबाद में हुकूमतों के खिलाफ अवामी बगावत और इख्तदार से बेदखल करने के उनवान से प्रजा कोर्ट का अहतमाम किया गया है, जिसमें मुमताज दलित रहनुमा कांचा एलिया ने जज के फरायज अंजाम दिए और सीनियर कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत की नाकामियों पर वकील की तरह बहस की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोनों हुकूमतें आवाम को इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि तमाम 119 असेंबली हल्का जात में प्रजा कोर्ट का अहतमाम किया जाएगा और मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। अजला में अरकान असेंबली और वजरा के खिलाफ भी चार्जशीट आवाम में पेश की जाएगी। पार्टी ने 75 लाख खानदानों तक रिसाई का मनसूबा बनाया है, जिसके तहत घर घर मुहिम चलाई जाएगी।
आलमी शोहरत याफ्ता WWE सुपरस्टार्स के हैदराबाद में मुकाबले। अब आलमी शोहरत याफ्ता WWE सुपरस्टार्स को हैदराबाद में मुकाबला करते देखा जा सकता है। हैदराबाद के गच्ची बौली में वाकई GMC बालायोगी इंडोर स्टेडियम में 8 सितंबर को WWE सुपरस्टार्स के मुकाबले होने वाले हैं। हिंदुस्तान में 7 साल के वक्फे के बाद ये मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियासती वजीर स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के सदर नशीन डॉक्टर अंजैया गौड़ ने आज इन मुकाबलों के पोस्टर्स की जराई अमल में लाई। वजीर मौसूफ ने कहा कि दुनिया भर में मारूफ 28 WWE रेसलर्स इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान में ये दूसरी मरतबा है कि इस तरह के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। WWE सुपरस्टार मुकाबलों के टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। साबिक वजीर चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का कर दिया ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े साबिक वजीर चंद्रशेखर की खामगाह पहुंचकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। वाज़ह है कि चंद्रशेखर कल सुबह में ही BJP से इस्तीफा दे दिया था। रेवंत रेड्डी की दावत पर चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। वो 18 अगस्त को कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 18 अगस्त को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। मणिपुर में जारी फिरकावाराना तशद्दुद के खिलाफ खम्मम में रैली, कलेक्टर VP गौतम को याददाश्त पेश। मणिपुर में जारी फिरकावाराना तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ खम्मम में ईसाई तबके ने रैली निकाली। रैली का आगाज खम्मम के पेलमेलियन ग्राउंड से हुआ। रैली में खम्मम जिले के तमाम चर्च के फादर्स मौजूद थे। रैली में मरकज की फिरका परस्त BJP हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। रैली का अख्तिताम अम्बेडकर चौराहे खम्मम पर हुआ। इस मौके पर चर्च के फादर ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 3 महीने से मणिपुर फिरकावाराना तशद्दुद का शिकार है और खवातीन के ऊपर जुल्म ज्यादती का सिलसिला जारी है। जमहूरी मुल्क में मणिपुर के शर्मनाक वाकयात एक बदनुमा दाग है। फादर्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पुरज़ोर मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर मणिपुर और वजीर दाखिला अमित शाह को फौरी बरतरफ किया जाए और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि मणिपुर वाकयात के खिलाफ अखलाकी तौर पर जिम्मेदारी कबूल कर ले। मुल्क के हालात को मुकद्दर करने में मरकजी हुकूमत की कारिस्तानी है। बादशाह ईसाई तबके के जिम्मेदारान ने खम्मम कलेक्टर VP गौतम को मणिपुर में जारी तशद्दुद के खिलाफ याददाश्त पेश की। हाफिज बाबा नगर में पुलिस की मुहासिरे में तलाशी मुहिम। पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में पुलिस की जानिब से हफ्ते और इतवार के दरमियान रात तलाशी मुहिम शुरू की गई। इतवार की सुबह तक ये तलाशी मुहिम जारी रही। घर घर पहुंचकर 200 से ज्यादा मुलाजिमों ने पुलिस ने तलाशी की। कई मोटरसाइकिल, 3 ऑटो रिक्शा जब्त किए गए। पुलिस का दावा है कि दस्तावेजात बरामद न होने पर ये गाड़ियां जब्त की गई। एक चोर को भी हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। 20 रॉडी शीटर्स और दिगर जराम पेशा अफराद के मकानात पहुंचकर इनकी नकलो हरकत की तफसीलात तलब की गई और इनकी काउंसलिंग भी की गई। तलाशी मुहिम की निगरानी साउथ ईस्ट जोन के DCP ने की, जबकि ACP संतोष नगर, ACP चार मीनार के अलावा दिगर मुलाजमी ने पुलिस भी मौजूद थे। अचानक पुलिस की भारी जमीयत के साथ तलाशी मुहिम से इलाके में आवाम में तशवीश पैदा हो गई थी। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना के 6 अजला में बारिश का इम्कान है, जिनमें अजला नलगुंडा, हैदराबाद, भोंगीर, विकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी और सिद्दीपेट शामिल है। अवैसी की दहली रिहायशगाह पर नामालूम शरपसंदों का हमला, मुकदमा हुआ दर्ज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की दहली में वाक़े सरकारी रिहायशगाह पर हमले की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह शिकायत इनके घर की देखरेख करने वाले की जानिब से की गई है। मामले की तफ्तीश से वाबस्ता एक पुलिस अहलकार ने बताया कि इतवार की शाम 5 बजे 34 अशोका रोड पर वाक़े असदुद्दीन अवैसी के सरकारी बंगले के निगरान ने शिकायत की कि किसी ने अवैसी के बंगले की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए हैं। शिकायत के बाद मुतल्लिका थाने से पुलिस की एक टीम तहकीकात के लिए मौके पर पहुंच गई। एक पुलिस ने बताया कि वो फिलहाल इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया किसी ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ा या ये पहले ही से टूट चुका था। इस वाकये के बाद मुमकिन हमले के खदशात के दरमियान अवैसी की दहली रिहायशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। काबिले जिक्र है कि MIM के सरबरा की रिहायशगाह पर इस तरह का 5वां हमला है। इससे पहले इस साल 19 फरवरी को अवैसी की दहली में वाकई रिहायशगाह पर इसी तरह हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक नामालूम शरपसंदों ने अवैसी की दहली रिहायशगाह पर पहुंचकर इमारत की तरफ पथराव किया, जिससे इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। वाकये के बाद अवैसी ने पुलिस से रुजू किया और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। अवैसी ने इल्जाम लगाया था कि साल 2014 के बाद इनकी रिहायशगाह पर यह 5वां हमला है। तिरंगे वाली साड़ी, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ सीमा हैदर ने लहराया तिरंगा। सरहद पार से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर वो खबरों में आ गई हैं। हालांकि इस बार बात थोड़ी मुख्तलिफ है। मुल्क में तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दरमियान इतवार के रोज सीमा हैदर तिरंगा यात्रा में शामिल हुई और अपने घर के बाहर तिरंगा लहराया। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने अपने शोहर के साथ तिरंगा लहराया और यौम आज़ादी के जश्न का हिस्सा बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
चांद के एक कदम और करीब पहुंचा चंद्रयान चौथे मदार में हुआ दाखिल। चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंच गया है। पीर को चंद्रयान चांद के चौथे मदार में दाखिल हुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ट्विटर करके इत्तला दी। इसरो ने ट्वीट किया कि चंद्रयान 3 को चांद के चौथे चक्करदार मदार में रखा गया है। यह ऑपरेशन आज सुबह 8:30 बजे मुकम्मल हुआ। अगला ऑपरेशन 16 अगस्त 2023 को सुबह 8:30 बजे के करीब किया जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब होने की सूरत में भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चांद पर कामयाबी से उतरने से पहले कई खलाई जहाज गिरकर तबाह हो चुके हैं। चीन वाहिद मुल्क है जो 2013 में चांग-E-3 मशीन के साथ अपनी पहली कोशिश में कामयाब हुआ। काबिले जिक्र है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होंगे मदरसे के बच्चे। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बच्चों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा जाएगा और अखिलेती अक्सरियती इलाकों में घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। इसके अलावा इन्हें मुस्लिम बस्तियों में तिरंगा यात्रा निकालने और तिरंगे के साथ सेल्फी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की तरगीब दी जाएगी। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर मुमलिकत बराए अखिलेती बहबूद दानिश आजाद अंसारी ने डायरेक्टर अखिलेती बहबूद को खत लिखा है। तमाम मदरसों में यौम आज़ादी पर परचम लहराने और कौमी तराने गाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारने के लिए ड्रामा, सेमिनार, मुबाहसे के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर, गुज़िश्ता 24 घंटों में 42 अफराद हलाक। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली बारिश की वजह से रियासत भर में हलाकतों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुदरत के इस कहर से अब तक रियासत में 42 अमवात हो चुकी हैं, जबकि दर्जनों अफराद अभी भी लापता हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुर्ज खलीफा ने इस बार नहीं दी पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तानी शहरी देर रात तक देखते रह गए बुर्ज खलीफा वीडियो वायरल। आज यानी 14 अगस्त को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर पाकिस्तानी आवाम को तवक्को थी कि दुबई में दुनिया की बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर उनका कौमी परचम लहराया जाएगा, लेकिन ट्विटर पर वायरल होने वाली एक वीडियो से पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया गया। जी हाँ, आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अंधाधुंध शेयर किया जा रहा है, जहाँ कुछ लोग इस क्लिप को देखकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहीं बहुत से लोग पड़ोसी मुल्क को इसके आज़ादी की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। खाना काबा के अतराफ बादलों की शदीद गरज चमक के इंतहाई दिलकश मनाजिर। मक्का मुकर्रमा और खाना काबा के अतराफ कल बारिश के दौरान बादलों की शदीद गरज चमक के खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख में कैद हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मौसलाधार बारिश की वजह से कुदरती नज़ारों की रानाइयों और दिलकशी में मज़ीद इजाफा हो गया। इस दौरान खाना काबा के अतराफ में बिजली चमकने के दिलकश मनाजिर सामने आए हैं, जिन्हें कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया, जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। खाना काबा के अतराफ आसमान पर गरज चमक के दिलकश मनाजिर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।